Hello everyone, I hope that you are doing well. This is me Sayyed Shujatullah. Welcome to Iqra IAS Current Affairs Channel. Channel को subscribe करिए और hit the bell icon so that जब भी मैं video upload करूँगा आपको notification मिल जाएगा. आज का हमारा topic है very very important और ये topic बहुत महीनों से सालों से चलते आ रहा है. Okay, इसका नाम है AFSA Act. ये Act है क्या? क्यों इसके ऊपर हमेशा बवाल होता है और क्यों ये हमेशा सुर्खियों में रहते ही रहता है? और दूसरा हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो हमारी ज़िंदगी से बहुत अहम तरीके से जुड़ा हुआ है, जिसका नाम है डेटा वल्नरेबिलिटी. हमारा डेटा, पर्सनल इन्फॉर्मेशन रहो या कुछ और इन्फॉर्मेशन रहो, किस किस के हाथ में है और कौन इसको प्रोटेक्ट करना चाहिए और कौन इसको इन्फ्रिंज करने की कोशिश कर रहा है. सो हम देखने वाले हैं क्या हमें राइट टू प्राइवेसी दिया गया है या नहीं. This is important means अगर मेरा डेटा कोई लेना चाह रहा तो मुझसे पूछे बिना कैसा ले सकते कोई भी, राइट और रॉन्ग. सो राइट टू प्राइवेसी इज देयर, हम इसके बारे में पढ़ेंगे. रिमेंबर दिस पॉइंट, राइट टू पायरेसी नहीं है. ओके, अगर राइट टू पायरेसी होता था तो फिर हर एंटरटेनमेंट, हर वेब सीरीज रहो, मूवीज रहो, पूरों को आप पायरेसी बना सकते थे, बट इट इज नॉट राइट टू पायरेसी, इट इज प्राइवेसी. रिमेंबर दिस, ठीक है. नाउ अभी आपको पढ़ना है ये इंटरनल सिक्योरिटी में ये एक्ट के फीचर्स क्या है, ये एक्ट कहाँ से एक्चुअली आया था, पीएम की पीस रैली में ये एक्ट के बारे में क्या जिक्र था, फीचर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्ट, और ये एक्ट को डेक्रोरियन क्यों कहा जाता है, मैं ड्राकुला लागा क्यों कहा जाता है, क्यों, वाई इज इट सो दैट इट इज कॉल्ड एज वेरी वेरी बैड, और ये डेमोक्रेसी के ऊपर एक बड़ा कंस्ट्रेंट है, डेमोक्रेसी के ऊपर बहुत बड़ा रिस्ट्रेंट है, ऐसा क्यों कहा जाता है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है. सो लेट अस बिगिन आवर टॉपिक विद द AFSA एक्ट. इसका फुल फॉर्म है आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल प्रोविजंस. तो आर्म फोर्सेस के स्पेशल पावर्स, और पावर बोलो या प्रोविजंस बोलो, पावर्स एक्ट है. आर्म फोर्सेस के पास ये एक्ट के थ्रू थोड़े एक्स्ट्रा पावर्स है, और कोई हर एक के पास, हर आर्म फोर्सेस के पास नहीं है. जो ये एक्ट के दायरे में जो आर्म फोर्सेस है उनके पास थोड़े एक्स्ट्रा पावर्स है. वो पावर्स क्या है उसके बारे में हम देखेंगे. अभी मैं आपको एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन देता हूं, कोई भी कहीं पे भी बैठ के मुझे सुन रहा है, या ही इज फ्रॉम झारखंड, ही इज फ्रॉम माई स्टेट तेलंगाना, और आंध्र प्रदेश और गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, कोई भी मुझे सुन रहा है, जस्ट इमेजिन करिए ये सिचुएशन कि आपके पास आर्मी आपके एरिया में घूम रही है और आर्मी के पास ये पावर्स है, कभी भी वो आए अपने घर में सर्च करना शुरू करे, कभी भी वो आए अपने घर में से कॉलर पकड़ के डैडी को या फादर को लेके या मदर को लेके चले जाएं, कभी भी वो आए रोड पे आप चलते रह रहे हैं और अगर आपको आपके ऊपर डाउट है कि आप इंडिया के लिए खतरा है, अगर वो जो जवान इस तरीके से सोचता है कि आप खतरा होंगे तो आपको वहीं पे ऑन स्पॉट आपका एनकाउंटर आपका शूट भी कर देंगे, अगर इस तरीके से पावर्स है आपके पास, आपके एरिया में अगर आर्म फोर्सेस के पास इस तरीके से पावर है, आप ऐसे ऐसी गवर्नमेंट चाहते क्या, आप ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन चाहते क्या? नो राइट, नॉट एट ऑल राइट, यस. तो हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, यहां के हिस्से में, ठीक है, सो यहां पे एक स्पेशल एक्ट चल रहा है. ओके, दिस इज लाइक हियर, एक स्पेशल एक्ट यहां पे लागू किया है, आर्म फोर्स के लिए स्पेशल पावर दिए गए हैं ये एक्ट, और ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया में लागू किया गया है थोड़े, एंड ओनली इन सम एरियाज, ऐसा नहीं कि पूरा स्टेट है. यहाँ पे क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर करते हैं कि भाई ये देखो तेलंगाना में है, हैदराबाद है, वरंगल है, निजामाबाद है. ओके, तो निजामाबाद एक डिस्टर्ब्ड एरिया, लाइक दैट दे विल से डिस्टर्ब्ड एरिया. दिस तरीके से अगर डेजिग्नेट किया जाता है, अगर कौन से भी एरिया को एक डिस्टर्ब एरिया डिजिग्नेट किया जाता है, तो वो एरिया में ऑटोमेटिकली लग जाएगा AFSA का पावर्स, AFSA के प्रोविजंस ऑटोमेटिकली लग जाएंगे. फिर समनिंग रहो, घर में सर्च करना रहो, फिर घर तोड़ना रहो या बंकर तोड़ना रहो या वॉल तोड़ना रहो या किसी को शूट करना रहो, वो पूरे पावर्स उनके पास, आर्म फोर्सेस के पास आ जाते जब एक एरिया को डेजिग्नेट किया जाता है डिस्टर्ब्ड एरिया, ठीक है. तो ये पूरे स्टेट में अप्लीकेबल नहीं है. ओके, स्टेट के थोड़े थोड़े हिस्सों में अप्लीकेबल है, वहां पे आर्मी फिरते रहती है, राइट. लेट अस नाउ बिगिन विद द एडिटोरियल इटसेल्फ. ये हमारे आज के हिंदू न्यूज़पेपर में आया था, द ड्रेक्रोनियन लॉ, मीन ड्राकुले के जैसा है ये लॉ, इट शुड डिसअपियर. देखो, एक कंट्री में जब आप डेमोक्रेटिक कहते हैं, जब एक गवर्नमेंट आप बोलते हैं कि गवर्नमेंट इज ऑफ द पीपल, लोगों के लिए है, उनके लिए ही काम करेगी, उनके लिए ही जिएगी, उनके लिए ही मरेगी, गवर्नमेंट टू द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल रहने के बाद में, मगर आप ऐसा संस्था बना के रखे हैं,
ऐसा इंस्टीट्यूशन बना के रखे हैं इन द फॉर्म ऑफ आर्म फोर्सेस स्पेशल एक्ट, ऐसी एक्ट बना के रखे हैं जिससे ये ऑफ द पीपल फॉर द पीपल कहाँ हो गया, ये तो एक ऑटोक्रेटिक स्टेट हो गया ना। मीन्स आप जिस तरीके से बोलेंगे हम उस तरीके से सुनेंगे डिस्टर्ब एरिया में। अगर आपको किसके पास भी डाउट आ गया तो आप एनकाउंटर भी कर देंगे वही टाइम पे, आप मार भी देंगे। तो ऐसी एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी, इंडिया की जैसी वाइब्रेंट डेमोक्रेसी में रहते हुए क्यों ये लोग, वहाँ के लोग ये सहें कि ऐसी आर्मी ब्यूरो विद दिस पावर्स। ओके, द नॉर्थ ईस्ट नीड्स टू बी फ्रीड फ्रॉम द नेट ऑफ वॉट, अफसा से निकालो, एंड इट हैज ज़बरदस्त कॉन्स्टिट्यूशनल राइट एंड विद इम्प्यूनिटी। तो ये कहा गया है, देखो मैं कहीं पे भी जा सकता हूँ, ठीक है, अगर मुझे कोई पकड़ा तो मुझे 24 आवर्स मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है, ये प्रोसेस है नहीं है। मगर अफसा के एरिया में क्या होगा, अगर आपके ऊपर सस्पिशियस होगा आपको डायरेक्टली गोली गोली मिल जाएगी आपको। ओके, लेकिन इवन शूट यू राइट। तो देखो यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स मुझे मिल रहे हैं, यहाँ पे मुझे वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स नहीं मिल रहे हैं। तो ऐसा लॉ जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के राइट्स को जब वायलेट करता है, ओके, और वो विद इम्प्यूनिटी करता है, वो सिवियरिटी करता है, तो ये लॉ क्यों होना चाहिए एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, दैट इज व्हाट इज ऑल अबाउट। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कहा है टू द पीपल ऑफ द नॉर्थ ईस्ट रिसेंटली, जब वो ये अनाउंस किया है कि वो विड्रॉ करने वाले हैं आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट ऑफ 1958 को वापस लेने वाले हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कहा है रिसेंटली। ओके, तो उनके बोलने के बाद में अफसा एक्ट बहुत सारे एरियाज ऑफ असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर से बहुत सारे एरिया से अफसा एक्ट निकाल दिया गया है। ओके, और प्राइम मिनिस्टर जब पीस रैली कर रहे थे एंड इवन ही वॉज एड्रेसिंग ए पीस रैली इन दी असम के एक डिस्ट्रिक्ट में वो थे, और वहाँ पे वो बोल रहे थे कि ये पूरा जो एरिया है, सात जो स्टेट्स हैं हमारे नॉर्थ ईस्ट में, वो पीस, यूनिटी और डेवलपमेंट की ऊपर उनका ध्यान होना चाहिए, फोकस होना चाहिए, ठीक है। क्यों, और नागालैंड में तो आप देखे होंगे क्या हुआ था लास्ट टाइम। ओके, नागालैंड में 1950 से बहुत इंसर्जेंसी हो रही थी। ओके, बांग्लादेश और म्यांमार से बहुत लोग घुस जा रहे थे नागालैंड में, तो वो भी एक तकलीफ थी यहाँ पे अपने इंडियन गवर्नमेंट को। तो बेसिकली आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर जी ने यहाँ पे भी कहा था और यहाँ पे भी कहा था, इसका मतलब है उनका विल है कि अफसा जैसा एक्ट नहीं होना चाहिए एरिया में, क्योंकि ये डेमोक्रेटिक राइट ऑफ द पीपल को ऑफेंड करता है, ठीक है, फाइन। अब देखिए ये इसके रूट्स कहाँ से आए, देखो ये रूट्स जो अफसा एक्ट के रूट्स आए हैं ब्रिटिश के ज़माने से। ब्रिटिश के ज़माने में ब्रिटिश गवर्नमेंट उनके रेबल्स को तोड़ने के लिए, उनसे जो भी खिलाफत करे उनको मारने के लिए, उनकी आवाज़ को दबाने के लिए, ओके, पर्टिकुलरली असम और बंगाल बहुत बड़े सेंटर्स थे रिवॉल्ट के, बहुत बड़े सेंटर्स थे रिवॉल्ट के। और अक्टूबर 1942 में जब क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हुआ था तो असम और बंगाल बहुत बहुत रेसिस्टेंस दे रहा था ब्रिटिश गवर्नमेंट को। तो उन्होंने क्या किया है, एक आर्म फोर्सेस स्पेशल एक्ट बना के इन्फोर्स कर दिया था। ओके, ओके, द लॉ कंटिन्यूज टू बी इन्फोर्स एज आर्म फोर्सेज एक्ट ऑफ 1958। तो उनके जो असम और बंगाल में जो उबल रहा था वो 1942 में, और जो रेसिस्ट कर रहा था ब्रिटिश गवर्नमेंट नहीं चाहिए, ओके, और हमारी हिंदुस्तानी गवर्नमेंट होना चाहिए, जिस तरीके से रेसिस्ट कर रहा था वो एक हॉट बॉल बॉयल बन गया था। तकलीफ हो रही थी ब्रिटिश गवर्नमेंट को असम और बंगाल से, तो वहाँ के लोगों को दबाने के लिए, वहाँ के लीडर्स को दबाने के लिए, वहाँ के लोगों को मारने के लिए, ओके, और उनको रिवॉल्ट से दूर करने के लिए, सप्रेस करने के लिए, वो ब्रिटिश ने एक एक्ट बना के शूट ऑन साइट एक्सेट्रा, घर में घुस जाओ, सर्च करो, इस तरीके के वो पूरे पावर्स दिए थे। और हम क्या करें, ओके, आफ्टर इंडिपेंडेंस हम भी वही करें, वो एक्ट को कंटिन्यू करते गए, उसको रिपील कभी नहीं करे। तो जेनेसिस हुई थी ब्रिटिश की, ब्रिटिश को कंट्रोल करना था इंडिया को, ओके, लोगों को, लीडर्स को कंट्रोल करना था, तो उन्होंने बनाया था ये ला, ओके, वही ला हम आज भी चला रहे हैं। ओके, नागा में, नागालैंड में इंसर्जेंस बहुत आ जा रहे थे 1950s में, ठीक है। तो हंड्रेड्स ऑफ वो इंसर्जेंस क्या कर रहे थे, बहुत सारे अपने आर्मी सोल्जर, सेंट्रल और स्टेट की पैरामिलिट्री फोर्सेस और सिविलियंस को बहुत मार दे रहे थे। ओके, इसलिए जो भी इन्फॉर्मर्स भी थे, जो भी आर्मी को छुपी खुफिया इन्फॉर्मेशन देते थे, भैरूपिया रह के देते थे, उनको भी या एलिमिनेट करते थे ढूंढ ढूंढ के, या डिसेबल करते थे। मीन्स इंसर्जेंट्स मीन्स जो हमारे नहीं है, हमारे देश के, दूसरे देश के हैं ये लोग, और यहाँ पे आके तहलका मचाना चाहते हैं, यहाँ पे आके शांति बनाए भंग करना चाहते थे। ओके, ऐसे लोगों को बोलते हैं इंसर्जेंट्स। तो अब जब एक एरिया में इतना सोप हो रहा तो गवर्नमेंट क्यों खामोश बैठेगी, तो गवर्नमेंट तो अफसर लगाएगी, ठीक है, तो अफसर लग गया वहाँ पे, ठीक है। और
एक शिलोंग पीस अकॉर्ड भी हुआ था ये इंसर्जेंट्स के साथ। क्या हुआ था शिलोंग पीस अकॉर्ड? पहली बात आप ये याद रखिए क्यों ये इंसर्जेंट्स लड़ रहे हैं, ये ऐसे लोग थे जिसको चाहिए था नागालिम। नागालिम का मतलब है इंडिया से, इंडिया में से ही थोड़ा असम का पार्ट, थोड़ा मणिपुर का पार्ट, थोड़ा अरुणाचल प्रदेश का पार्ट, ये चार चार और नागालैंड पूरा, ये पूरा मिलकर कहते उनका एक देश बनाना कहते उनके लिए, उनके लिए एक देश बनाना कहते नागालिम। तो वो सेपरेट स्टेटहुड के लिए लड़ रहे थे और वो कह रहे थे कि हम कभी भी इंडिया का हिस्सा नहीं थे, ये फोर्सफुल हमको अंदर मर्ज कर रहे थे। तो इस तरीके के लोग जो मेंटालिटी रखते हैं ना, उनको यहाँ पे हम कहते हैं इंसर्जेंट्स, क्योंकि हमारा हिंदुस्तानी तो कभी ऐसा बोलेगा नहीं, तो बाहर वाला ही आके उसका उकसाया होगा, तो हम इस तरीके समझ के उनको कहते हैं वॉट इंसर्जेंट्स। तो ये लोग चाहते हैं कि इनको मिले नागालिम, एक सेपरेट नेशन मिले और इनका अलग कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, इनका डिमांड है, इनका अलग फ्लैग होना चाहिए, तिरंगे से उनको कोई मतलब नहीं है, इसी दिस इज व्हाट दे हैव टोल्ड। ठीक है, तो नागा एक शिलोंग पीस अकॉर्ड बनाए थे ओके विद नागा इंसर्जेंस इन 1975। बट उसके बाद में क्या हुआ, ये जो जो इंसर्जेंट ग्रुप था वो दो में डिवाइड हो गया ओके। एक तो हो गया नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालिम बनी ओके, इसाक मूवियो बेटर नोन एज वॉट NSCNIM, NSCNIM बोल के बोलते थे इसको ओके। और एक था खाली एम ओके, और एक था खाली एम दैट इज मुवैया, मुवैया टी मुवैया ओके। तो आप याद रखिए, तो एक तो इसाक का था, एक तो मुवैया का था, तो ये एक ही थी ग्रुप बट दोनों में डिवाइड हो गई थी। ये डिवाइड होने के बाद में आप समझिए कि एक एरिया के दो डॉन हो गए, एक एरिया के दो डॉन हो गए। तो अब ये दो डॉन अपने हिसाब से इसको नागालैंड को कंट्रोल करना चाह रहे थे, तुम कितने मारे पुलिस वालों को, मैं कितने मारा पुलिस वालों को, तुम कितने लोगों से हफ्ता लिए, मैं कितने लोगों से हफ्ता लिए, इन दोनों का फेस ऑफ भी होता था। ये लोग भी मार लेते थे, ये मारा मारी में ये आर्मी वालों को भी मारते थे और बीच में कौन पिसते थे, सिविलियंस भी पिलते थे, ये इनको भी मार देते थे। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा डिस्टर्ब हो गया था एरिया, तो वो लगाना पड़ा अपने को अफ्सा एक्ट। ठीक है, और उसके बाद में इसाक ऐसी इसाक चिशिसु जो मेन इंपॉर्टेंट शिलोंग पीस अकॉर्ड के जो लीडर थे, एक इंसर्जेंट ग्रुप के लीडर थे, उनका डेथ हो गया ओके आफ्टर दी नागा फ्रेमवर्क अग्रीमेंट। एक नागा फ्रेमवर्क अग्रीमेंट बना के वो उन्होंने डेथ हो गए थे। बट क्या हुआ था, गवर्नमेंट से कुछ प्रोमिसेस किए, गवर्नमेंट ने कुछ प्रोमिसेस किए थे उनसे ओके पीस अग्रीमेंट में, वो प्रोमिसेस अभी तक फुलफिल नहीं की है इंडियन गवर्नमेंट। जस्ट लाइक आप देख सकते हैं कि परमिट ए सेपरेट फ्लैग दो उनको, सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन दो नागालैंड में, वो NSCNIM की एक डिटरमाइन टू हैव। ठीक है, तो बेसिकली जो लीडर नागालैंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो पीस का अग्रीमेंट करे थे, तो वो उनके मरने के बाद में गवर्नमेंट ने उनका जो भी डिमांड है पहले भी ऑनर नहीं करी थी, नहीं होता बोल के बोले थे कि ये सब नहीं होता, अलग कॉन्स्टिट्यूशन अलग फ्लैग नहीं दे सकते आपको। उसके बाद में भी अभी भी वो लोग इसके लिए ही लड़ते हैं कि उनको अलग फ्लैग चाहिए, अलग कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। ए जनरेशन हैज लिव्ड, अभी क्या हुआ, एक पूरी जनरेशन मीन्स 50-50, 60-60 साल लोग जे वो अफ्सा आए बाद से पैदा भी हो गए हैं, अफ्सा के पीरियड में मर भी चुके हैं। तो एक जनरेशन ऐसी है जो कि ये पूरा एक्ट को ज़बरदस्ती सही और वो एक्ट के अंदर अपने जो भी डेमोक्रेटिक राइट्स खो के पूरी जी है। अभी इसकी ज़रूरत क्या है, क्योंकि अफ्सा के पास कितने ज़्यादा पावर से, देखो पावर टू सिक्योरिटी फोर्सेस क्या है, टू शूट एंड किल एनी वन ऑन सस्पिशन इवन ऑन सर्च और अरेस्ट, नो प्रोसिक्यूशन अगेंस्ट देम इज पॉसिबल। अगर कोई आपके घर में घुस जाता है, घुस के आपके घर की तलाशी लेता है, अगर उसके बारे में आप कोर्ट में जाके कंप्लेंट करते हैं, तो कोर्ट ना लेगी ना पुलिस स्टेशन में कुछ केस रजिस्टर होगा, क्योंकि पहले सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेना होगा। तो इनके पास समझिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेना होगा, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट आर्मी वालों को बोलेंगी कि क्या हुआ देखिए, फिर एक कमेटी बैठेगी, अरे वो सही है या गलत है मालूम करना है, क्योंकि ऐसे ही ना तो जवान को डाल सकते, तो फिर वो फ्री हैंड घूम रहे थे कौन, आर्म फोर्सेस ओके। थोड़े अच्छे नहीं थे वो लोग, फेक एनकाउंटर्स भी कर देते थे, वो फ्री हैंड घूम रहे थे क्योंकि उनका प्रोसिक्यूशन नहीं था ओके। एनी ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ कैप्टन ओके कैन यूज ओके ऑन नेसेसरी, कभी भी जरूरत पड़े तो वो किसी को भी मार सकता है, किसी को मार सकता है, रिमेंबर दिस पॉइंट, नॉट बिलो द रैंक ऑफ कैप्टन। कैप्टन बहुत बहुत छोड़ सबसे पहला पोस्ट है, उड़ा दे सकते ओके फाइन। तो फिर उसके बाद में क्या हुआ, इट इज द कंसेंट फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट ओके शुड बी टेकन
टू प्रोसिक्यूट एनी पर्सन हु हैज डन एनी फेक एनकाउंटर्स, बट गवर्नमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट कभी भी देती नहीं थी कि वो डिले करते थे कि प्रोसिक्यूशन चलाएं या नहीं चलाएं, उस वजह से ये क्या हुआ पूरा ओके अफ्सा एक्ट को मिसयूज किया गया है. द इंसिडेंट लेड टू रिटोरियस सिचुएशन होगी थी परसों इन विच मोर पर्सन इंक्लूडिंग असम राइफल जवान और सिविलियंस किल हो गए थे. दिसंबर 4, 2021 में मॉन डिस्ट्रिक्ट ऑफ नागालैंड में क्या हुआ था बोल तो सिविलियंस को मार दिए बिना ओके सो देवर किल्ड राइट. अब ये सब सिचुएशन आप समझ गए. अब यहाँ पे कोर्ट क्या बोलता है, कोर्ट के पास ऑलरेडी द सुप्रीम कोर्ट हैज ऑलरेडी पास्ड एन इंटरिम ऑर्डर. अभी तक का ऑर्डर, अभी पूरा जजमेंट नहीं है. इंटरिम ऑर्डर का मतलब है सो नॉर्मल जजमेंट मीन्स अभी तक के लिए ये छोटा मोटा जजमेंट फॉलो करो, हम अभी सोच के बड़ा जजमेंट देंगे. सो एक इंटरिम ऑर्डर पास किया गया था स्टेइंग फर्दर प्रोसीडिंग्स पर्सुएंट टू एफआईआर नंबर 27 ऑफ 2021 फाइनल रिपोर्ट ऑफ द स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ओके ऑन द पिटिशन फाइल्ड बाय द वाइफ्स ऑफ द कमांडोज फाउंड गिल्टी ऑफ व्हाट एसआईटी. तो जब ये 13 लोग सिविलियंस मरे थे तो उनके जो वाइफ्स थे वो गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट में अपनी गुहार लगाए हैं और कहें कि अपने जो सिक्योरिटी फोर्सेस है वो उनको बिना एनमिटी के लिए मार दिए हैं ओके और कुछ गुस्से में मार दिए हैं, उनका कुछ दोष नहीं था, उनको पनिश कीजिए. जो बंदूक से की गोली से मरा है इंसान, उनके वाइफ ने जाके ये कहा है कि ये जो भी यूज़ कर रहे थे पावर, वो पावर जो गोली मारे थे उनको उनको जेल में भिजाना चाहिए. ओके दे हैव टू बी सेंट टू जेल द पर्सन्स हु हैव किल्ड अननेसेसरली ओके विदाउट एनी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ओके सिविलियंस वर किल्ड. सो दोज पर्सन हु हैव मिसयूज दिस पावर शुड बी सेंट बिहाइंड द बार्स बिकॉज दे हैव लॉस्ट देयर हस्बैंड्स. इस तरीके से वहाँ पे पिटिशन डाले थे. ओके दैट्स व्हाई द सिक्योरिटी फोर्सेस आर आर्म्ड विद ब्रिडल पावर सो व्हेन द एक्स्ट्रा जुडिशियल एग्जीक्यूशन का मतलब है, देखो हमारे कंट्री में किसी को सजा देने का हक है सिर्फ जुडिशरी को, किसी को मारने का हक है सिर्फ जुडिशरी को, किसी को हैंग करने का हक है जुडिशरी को. बट अफ्सा के एक्ट में क्या है, अगर कोई कैप्टन किसी के ऊपर अगर अरे भाई ये सस्पिशियस है इसको उड़ा दो, गन निकाले टिश खत्म, तो यहाँ पे भी इंसाफ एग्जीक्यूटिव दे रहा है, वहाँ पे जुडिशरी देती जनरली कोर्ट्स देते हैं. तो ये जो इंसाफ जो दे रहे हैं एक्स्ट्रा जुडिशियल कहलाता है, मीन्स जुडिशरी से नहीं हो रहा है सर्च, जुडिशरी से नहीं हो रहा है ये डिटेंशन, जुडिशरी नहीं दी है ऑर्डर की मारो, बट ये जुडिशरी के साथ पैरेलली यहाँ पे भी एक सजा देने का ओके चल रहा है सिस्टम थ्रू व्हाट अफ्सा एक्ट. सो व्हेन द एक्स्ट्रा जुडिशियल एग्जीक्यूशन विक्टिम फैमिली एसोसिएशंस ओके बनाए थे, उन्होंने ऑलरेडी ये कहे थे कि टॉप कोर्ट को 1528 ऐसे केसे हैं जिसमें एलेज एक एनकाउंटर हुआ बोल के ये जो एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट को ये लिख के दी. और सुप्रीम कोर्ट में पहले के पाँच आप देखिए, यहाँ पे पहले के 6 केसे जब सुप्रीम कोर्ट ने पढ़ा था तो सुप्रीम कोर्ट को पता चल गया था कि यहाँ पे अफ्सा का मिसयूज हुआ है बाय द आर्मी, अफ्सा का मिसयूज हुआ है बाय द आर्मी. उसके बाद में डिस्पाइट बाय एवरी सिटीजन ऑफ द स्टेट्स वेयर इट हैज बीन इनफोर्स अफ्सा वाज नॉट विदड्रॉन डिस्पाइट देयर डिमांड्स. ओके बहुत सारे लोग की वो ये बोले कि अफ्सा निकालो. ओके जो बेसिक टेनेंट है डेमोक्रेसी का मतलब है ऑफ द पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल, अगर यही लोगों को नहीं दिया गया है तो वो कैसा जीएंगे. नो सेक्शन ऑफ सोसाइटी, कौन सी भी सेक्शन ऑफ सोसाइटी इन द वर्ल्ड में के नॉट बी सब्जेक्टेड टू ए लॉ दैट इज व्हाट डेक्रोरियन. किसी की भी प्राइवेसी अंदर घुस जाओ, किसी के घर में तोड़ के घुस जाओ, ऐसा किसी को भी मार दो, इस तरीके का लॉ में मॉडर्न डेमोक्रेसी में किस तरीके ऐसा कैसा चल सकता, राइट? इट्स नॉट पॉसिबल. ठीक है, तो ये कंप्लीटली वायलेशन ऑफ लिबर्टी एंड राइट्स ऑफ द पीपल है विच इज गिवेन टू देम अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन. ओके रेसिस्टेंस टू ए रिसिंडलिंग. ओके एफर्ट्स मेड इन द पास्ट टू विदड्रॉ द लॉ हैज मेट विद लॉट ऑफ फेल्यूर. कभी द आयरन लेडी ऑफ मणिपुर आयरम चन्नू शर्मिला 16 ईयर लॉन्ग हंगर स्ट्राइक करे उन्होंने 2000 में, तो भी कुछ नहीं हुआ. हेल्ड एज ए हीरोइन फॉर नियरली 2 decades शी फेल फॉर ग्लोरी व्हेन पीपल वाज डिसअप्रूव्ड. ओके पीपल वर डिसअप्रूव्ड ऑफ हर ब्रेकिंग द फास्ट. On being asked to comment on the withdrawal of Afsa in several parts of the Manipur, she was of the opinion that there was a new beginning and the result of two decade long flight. तो बहुत सारे लोग बड़े बड़े अनशन पे बैठे थे, बड़े बड़े fast unto death पे बैठे थे कि Afsa जाना चाहिए. The Justice BP Jeevan Reddy Committee, okay, was also asked to review the provisions of Afsa. ओके एंड विद द रिकमेंडेशन बहुत सारे प्लेसेस से विड्रॉ भी किया गया है. सरप्राइजिंगली ये
कमिटी ऑल्सो सजेस्टेड दैट मेकिंग अमेंडमेंट्स टू अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट यूपा एक्ट टू अचीव द पर्पस। सो अफ्सा का एक्ट निकाल के यूपा का एक्ट अगर अगर चलाते हैं ऐसे एरिया में तो ये चल जाएगा, इस तरीके से कहा था। ओके, रिपोर्ट वॉज सब्सिक्वेंटली शेल्ड। फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर पी चिदम्बरम वॉज अ फर्म ओपिनियन दैट अफ्सा शुड बी विदड्रॉन, बट स्टिफ रेसिस्टेंस फ्रॉम द डिफेंस मिनिस्ट्री विच वॉज हेडेड बाई ए के एंटोनी ओके सो सेटल द प्रपोजल। तो चिदम्बरम चाहते थे कांग्रेस गवर्नमेंट अफ्सा जाए, बट ए के एंटोनी जो डिफेंस मिनिस्टर थे नहीं, बहुत उन्होंने तो बहुत ओपिनियन में थे कि नहीं अफ्सा होना ही चाहिए, क्योंकि वो बहुत एरिया नॉर्थ ईस्ट का बहुत सिक्योरिटी थ्रेट है। द इंडियन आर्मी ऑफर्ड स्टिफ पोजिशन टू एनी प्रपोजल टू डू अवे विच मच डिटेस्टेड लॉ। इंडियन आर्मी भी नहीं 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 चाहिए, अफसर रहना चाहिए, अफसर रहना चाहिए, और जबकि डिफेंस में ए के एंटोनी उन्होंने भी रहना चाहिए। तो बाकी के यू कैन अंडरस्टैंड दैट सब गवर्नमेंट में कहते हैं कि रहना ही चाहिए, आज की तारीख में भी अपने भी होम मिनिस्ट्री कहते हैं कि होम मिनिस्टर वो रहना चाहिए। ओके, बट ठीक है, आप लोग समझते हैं कि वो एक्ट रहना चाहिए क्योंकि अपने इंडिया के लिए वो बहुत सिक्योरिटी थ्रेट होगा, उसको रिव्यू तो करिए, उसको बदलाए तो दीजिए, उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स तो इंक्लूड करिए, लाइक दैट। द प्रेजेंट डिस्पेंसेशन, अभी जो जिस तरीके से यहाँ पे एक्ट डिस्पेंस हो रहा है, हैज हेल्ड फॉर इज बोल्ड डिसीजन टू रीसेंट द लॉ एज आर्मी वुड हैव स्टिल ऑफर्ड रेसिस्टेंस टू इट्स विथड्रॉवल। अगर गवर्नमेंट अब चाहती है तो निकाल सकती है, जिस तरीके से जम्मू एंड कश्मीर का आर्टिकल 370 निकाली है, सो अभी की गवर्नमेंट में इतना पावर, इतना बोल्डनेस है दैट दे कैन टेक द कॉग्निजेंस ऑफ द पब्लिक प्लाइट, वो लेके पब्लिक की मजबूरी और उनकी गुहार लेके वो बदल सकते हैं ये पर्टिकुलर ओके एक्ट, और उसमें अच्छे अच्छे मॉडिफिकेशन कर सकते हैं इवन दो आर्मी इज नॉट विलिंग। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट व्हाट अफ्सा एक्ट। तो हम इसमें पढ़ चुके हैं पावर्स, हम इसमें पढ़ चुके हैं क्यों जाना चाहिए और कौन सा कोर्ट का ऑर्डर था एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नाउ वी आर गोइंग टू सी राइट टू प्राइवेसी। देखिए, राइट टू प्राइवेसी इज बेसिकली, प्राइवेसी का मतलब है हमारी जाती जिंदगी का इंफॉर्मेशन, आप शादीशुदा हैं या नहीं है, आप क्यों बच्चे हुए या नहीं हुए, आपका डाइवर्स हुआ या नहीं हुआ, ठीक है, और आपके पास कितना पैसा है, आपके घर में कितने लोग रहते हैं, ओके, आप दिन भर कहाँ जाते हैं, आप क्या खाना पसंद करते हैं, ये पूरी क्या हो गई हमारी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है। तो ये होगी हमारी प्राइवेसी, हम जिसको देना चाहें उनको दें और जिसको नहीं देना चाहें हम नहीं दें, सो कोई हमें पूछेगा नहीं। तो जस्टिस के एस पुट्टू स्वामी ने ओके वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में ये पर्टिकुलर पुट्टू स्वामी और यूनियन ऑफ इंडिया के बीच में जो भी हुआ था, ये केस में पुट्टू स्वामी ने ये कहा था कि देखिए, राइट टू प्राइवेसी इज नथिंग बट राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। एक इंसान की जीने का हिस्सा है राइट टू प्राइवेसी, और उसकी पर्सनल लिबर्टी है, उसको पर्सनली उसके बारे में बोलना या नहीं बोलना उसकी लिबर्टी के ऊपर होना चाहिए। फोर्सफुल उससे आप इंफॉर्मेशन ले नहीं सकते, या आप उसको चीट करके इंफॉर्मेशन ले नहीं सकते, क्योंकि राइट टू प्राइवेसी इज राइट टू लाइफ एंड ए पार्ट ऑफ राइट टू लिबर्टी अंडर आर्टिकल 21। तो पुट्टू स्वामी के केस में कोर्ट ने क्लियर कट कह दिया था कि राइट टू प्राइवेसी इज ए पार्ट ऑफ आर्टिकल 21। द बेंच हैज ऑल्सो, बट बेंच ने यह भी कहा था कि देखिए, ये पूरा एब्सोल्यूट राइट नहीं है, इसके ऊपर भी लिमिटेशंस रह सकते हैं, ठीक है। बट बेसिकली देखिए, आप पुट्टू स्वामी ने जो भी कहा था, ये जजमेंट में जो भी हुआ था, एक ही हैज गिवन ए ट्रिनिटी, यहाँ पे जज दो थे, जस्टिस जो थे उन्होंने ट्रिनिटी टेस्ट दिया था। ट्रिनिटी टेस्ट, अगर किसी की भी प्राइवेट और पर्सनल इंफॉर्मेशन आप ले रहे हैं तो पहले तो उसमें क्या है, ऑब्जेक्टिविटी क्या है बोलना जरूरी है, कि ऑब्जेक्टिव क्या है, आप क्या काम करना है, क्यों ले रहे हैं इन्फॉर्मेशन, तो वो लो। उसके बाद में लीगलिटी क्या है, क्या आप लीगल लॉ के थ्रू ले रहे हैं, तो क्या आप एक्ट बना के ले रहे हैं, तो क्या एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पे मन चाहे जब इन्फॉर्मेशन पूछ रहे हैं, तो लीगली आप लेना चाहिए। थर्ड क्या है, ओके, प्रोपोर्शनेटली, प्रोपोर्शनेटली, ये तीन ओके बहुत जरूरी है टू टेक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अस, हमारे से इन्फॉर्मेशन लेना, तो गवर्नमेंट को ये तीन का आंसर देना होगा, ठीक है। अगर समझो कोई इंसान अगर ओके बॉम्ब, हाउ टू मेक ए बॉम्ब, हाउ टू मेक ए मिसाइल अगर ऐसा टाइप करता है कंटिन्यूसली 10 दिन टाइप करता है, तो उसके घर पे पुलिस आ जाएगी, ठीक है। पुलिस आके ये नहीं कर सकती कि भाई पूरे के पूरे घर को लेके नहीं जा सकती ना, ओके, और पुलिस आके उसको जेल में भी उठा के नहीं रख सकती 14-14 दिन, राइट। तो आप प्रोपोर्शन, जितना कि जितना गुनाह हुआ है और जब कुछ सस्पिशियस है उस लेवल का ही आप इंफॉर्मेशन लेना है, उससे ज़्यादा नहीं लेना है। तो यू कैन नॉट गो बियॉन्ड द प्रोपोर्शन, जब उतना बड़ा जुर्म ही नहीं हुआ तो आप क्यों कर रहे हैं वो, ये तो पूरी एक्सरसाइज। तो इससे इंपॉर्टेंट क्या है, अगर कोई किसका कुछ केस चल रहा, विद द केस इज ऑल अबाउट व्हाट, केस इज ऑल अबाउट समवन इज ए मे किल बी,
तो आप एम ए किल बी, तो आप ये नहीं देखना कि इनका बैक अकाउंट इन्फॉर्मेशन दो, ठीक है, इनके बीवी का इन्फॉर्मेशन दो, इनके बच्चों का इन्फॉर्मेशन दो, ये क्या करना है आपको, ये क्या भी करना नहीं है, आपके फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन क्या करना है, इनके प्रॉपर्टी के इन्फॉर्मेशन आपको क्या करना है, नहीं करना है ना। तो आप ए इज ए में किल बी, अगर आपको इतना मालूम है तो इनको डिटेन करिए, ठीक है, इनके आने जाने पे आप रोक टोक लगाइए या इनके आने जाने पे आप देखिए, ठीक है। तो जितना चाहिए उतना ही लगाना चाहिए, उससे ज़्यादा पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं करना चाहिए, दैट इज कॉल्ड इज व्हाट प्रोपोर्शनैलिटी। तो आजकल तो हम देखते हैं कि जैसे द मोमेंट यू गो इन टू द मॉल यू विल सी दैट ए गाय इज कमिंग एंड ही इज आस्किंग द सर इस पे आपका नाम लिखिए, कार्ड देते ना छोटे छोटे, तो वो क्या है सर आपको बम्पर ऑफर मिलेगा, आपको गिफ्ट हम्पर मिलेगा, आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन लिखिए, आपका ईयर लिखिए, आपका डेट ऑफ बर्थ लिखिए, फादर का नाम लिखिए, आप क्या करते लिखिए, एक्सेट्रा होता ना। तो आजकल पर्सनल डाटा जो भी है ना एक पैसों पर बिक रहा है लोगों का, डेटा सिक्योरिटी ब्रीचेस परसों व्हाट्सएप पे भी हुआ था और पेगासू से कितनों को की हो गया। तो डेटा से डेटा हमारा जो डेटा है पर्सन, मेरे वीडियोस रहो मेरे फोटोस रहो, इसका तो ब्रीच आजकल हो ही रहा है, लॉस एंड थेफ्ट तो इजीली हो रहा है, हमारा सेंसिटिव डेटा कितनों के पास भी चले जा रहा है और बहुत इजी वे में बिक भी जा रहा है, 100-200 रुपये में भी दे दे रहे हैं। यूज मोस्ट ऑफन जनरली ये इन्फॉर्मेशन यूज करते हैं एडवर्टाइजिंग एजेंसी वाले, ओके, और टेली मार्केटिंग फॉर्म्स यूज़ करते हैं और साइबर क्रिमिनल यूज़ करते हैं कि चलो भाई इनके घर में ओल्ड एज कितने लोग हैं, चलो इनके घर में जाके बच्चा है और दो बूढ़े बाप है तो बच्चे को पकड़ ले, एक्सटॉर्शन के कॉल्स करे, एक्सेट्रा सो एंड सो फोर्थ। ओके, हम जैसे जनरल यूजर है तो हमें थ्रेट है कि एडवर्टाइजमेंट एजेंसी टेली मार्केटिंग फॉर्म्स ये हमारा डेटा यूज़ करेंगे, विच आर कॉल्ड एज वॉट नॉन स्टेट एक्टर्स, नॉन स्टेट एक्टर्स, नॉन स्टेट एक्टर्स आर नथिंग बट जो गवर्नमेंट के नहीं है उनको हम बोलते हैं नॉन स्टेट एक्टर्स। तो हमारा जो डेटा है वो नॉन स्टेट एक्टर्स जलने देते हैं, बट जो पॉलिटिशियन जो इन्फ्लुएंशियल पर्सन हैं उनके ऊपर गवर्नमेंट भी ये लगा सकती है। तो ये लोगों को ये भी डर है पॉलिटिशियंस और इन्फ्लुएंशियल पर्सन को कि कहाँ गवर्नमेंट हमारा डेटा ले लेंगी। सो जैसे पेगासू का जो न्यूयॉर्क टाइम्स में जो एड आया था, ओके, कॉलम आया था, उसमें क्लियरली न्यूयॉर्क टाइम्स में लिखा गया था कि पेगासू को परचेज किया गया है इंडियन गवर्नमेंट ने, ओके, फॉर सम पर्पस, बस उतना ही लिखा गया है उसमें। तो समझिए कि गवर्नमेंट जब यूज करती है बड़े बड़े लोगों के ऊपर तो उनका डेटा भी जा रहा है। सो ये बहुत इजी तरीके से डेटा ब्रीचेस हो रहे हैं। वीपीएन आउटसाइड, वीपीएन आउटसाइड का मतलब है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। जिस तरीके से आप अगर कुछ टिंडर पे वेबसाइट पे जाते हैं, अगर अपडेटिंग वेबसाइट करते हैं या कहीं और आप सब्सक्राइब करते हैं या कुछ सर्टिफिकेशन कोर्सेज करते हैं, तो वो लोग भी एक फॉर्म निकालते हैं, तो फॉर्म में आपको हर चीज़ और डबल चीज़ आपको आधार कार्ड भी पे, क्योंकि बाहर वाले पूछ रहे हैं तो आपको आधार कार्ड पूछेंगे, पासपोर्ट पूछेंगे, तो आप ये समझते कि भाई देखो कितना अच्छा है गवर्नमेंट, ये कितने अच्छे चीज़ें आपने को, कितनी प्राइवेसी है, कितना वो सिक्योरिटी से पूछ रहे हैं। तो बट ये तो धोखा भी हो सकता ना वो प्राइवेट नेटवर्क, इन द सेंस कि हमारा डेटा बाहर भी ज्यादा है, हमारा डेटा इंडियन का डेटा बाहर भी ज्यादा है, टिंडर सर्टिफिकेशन कोर्सेज पे बहुत सारा डेटा बाहर भी दे रहे हैं। तो गवर्नमेंट अभी डेटा प्रोटेक्शन के लिए एक बिल लेके आई थी, बट वो बिल में फिर से ही बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, तो उसको एक सेलेक्ट कमेटी को दिया गया है कि भाई ये बिल को और अच्छी तरीके से देखिए, उसको रिवाइव करिए, बिकॉज इसमें कुछ ज्यादा दम नहीं है, लाइक दैट। सो अभी तक का किस्सा यहाँ पे ही है, ठीक है। थैंक्स अ लॉट फॉर हियरिंग टू मी, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर। Thank you.